हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th का एग्रीकल्चर बायोलॉजी का लेसन नंबर 4, कीट नियंत्रण की प्रमुख विधियाँ। तो जो मेथड पढ़ने हैं आपको इंसेक्ट कंट्रोल के, वो आपको पढ़ने हैं लेसन नंबर 4 के अंदर। थर्ड नंबर लेसन के अंदर मैंने आपको बताया था कि आपको पेस्ट पढ़ने हैं, क्रॉप के पेस्ट, पॉलीफेगस, सर्वाहारी कीट और भंडारी अनाजों के कीट। तीन तरह के कीट आप वहाँ पढ़ोगे और उनका कंट्रोल कैसे कर सकते हैं कीट नियंत्रण की विधियों के अंदर, वो आप यहाँ पढ़ोगे। तो देखिए कि लेसन नंबर 4 के अंदर जो इसका प्रॉपर पूरे के पूरे लेसन का जो हम फ्लो चार्ट बना रहे हैं आज, कि हमें पूरे के पूरे लेसन के अंदर जो इंसेक्ट कंट्रोल से रिलेटेड जो चीज़ें पढ़नी है उसका आपको फ्लो चार्ट बना के दिखा रहा हूँ मैं। तो मेन क्या है इसके अंदर, कीट नियंत्रण, कीटों को नियंत्रण कैसे करना है। तो हम लिखते हैं जी कीट नियंत्रण। देखो इस लेसन के अंदर जो हमें पढ़ना है, कीट नियंत्रण क्या है, कीटों को मारना या कीटों को फैलने से रोकना ही क्या कहलाता है, कीट नियंत्रण कहलाता है। तो हमें कीट नियंत्रण के दो विधियां आपको इस लेसन में पढ़नी है। फर्स्ट तो है प्राकृतिक नियंत्रण और सेकंड है कृत्रिम नियंत्रण। कृत्रिम नियंत्रण मतलब ये तो रहेगा नेचुरल कंट्रोल, नेचुरल कंट्रोल, और ये रहेगा आर्टिफिशियल कंट्रोल। अब दो चीज़ें मैंने लिखी हैं, एक तो प्राकृतिक नियंत्रण और एक लिखा है कृत्रिम नियंत्रण। दोनों का मतलब क्या है पहले आप वो समझ लो। प्राकृतिक नियंत्रण तो वो होगा कि जैसे नेचर जो है, अपनी प्रकृति जो है, वो अपने आप ही इंसेक्ट को ख़त्म कर दे। उसके अंदर किसके द्वारा ख़त्म करती है, तेज़ हवा चला दे, बरसात आ जाए, टेम्परेचर बढ़ जाए, टेम्परेचर लो हो जाए, ह्यूमिडिटी बढ़ जाए, ह्यूमिडिटी लो हो जाए, कोई भी रीज़न हो सकता है जो नेचर का होगा। उसके अंदर हम नहीं मारेंगे इंसेक्ट को, नेचर अपने आप मारेगी। अगर अपने आप मारती है तो उसको बोलते हैं प्राकृतिक नियंत्रण। सेकंड है कृत्रिम नियंत्रण। कृत्रिम नियंत्रण के अंदर एक ह्यूमन का पार्टिसिपेशन होगा, मतलब हम उसके अंदर जाएंगे, उस नियंत्रण के अंदर ह्यूमन अपने आप को इन्वॉल्व करेगा। हम जाके कोई ना कोई विधि, कोई ना कोई मेथड यूज़ करेंगे, कोई ना कोई इक्विपमेंट के साथ मारेंगे इंसेक्ट को। आप केमिकल यूज़ करोगे, आप कोई भी मेथड यूज़ करके इंसेक्ट को मारेंगे, मतलब ह्यूमन का रोल होगा, वो रहेगा जी कृत्रिम नियंत्रण। आपको ये दो चीज़ें पढ़नी है इस लेसन में। प्राकृतिक नियंत्रण की जो विधियाँ हैं, ये जो प्राकृतिक नियंत्रण है इसके अंदर जो जो मेन चार मेथड आते हैं, चार मेथड इसके अंदर आएंगे। कि फर्स्ट है, पहला जो मेथड आएगा वो आ जाता है जी क्लाइमेटोलॉजिकल फैक्टर, कि जलवायवीय जो कारक होते हैं वो इंसेक्ट को कैसे कंट्रोल करते हैं, तो इसके अंदर वो चीज़ें आ जाएंगी। चारों के अंदर मैं इसके आपको बता देता हूँ। फर्स्ट जो आएगा जलवायवीय कारक, सेकंड आ जाएंगे फिजिकल फैक्टर या भौतिक कारक, थर्ड आ जाएंगे जी प्राकृतिक शत्रु, यहाँ आ जाएंगे प्राकृतिक रोग। तो देखो जी चार चीज़ें आपको पढ़नी है इसके अंदर, जलवायवीय कारक। अब जलवायवीय कारक के अंदर भी आगे भी कई पॉइंट आएंगे, जैसे ताप हो गया, मतलब टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी होगी, रेन एंड रेनफॉल हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, वो सारे के सारे आपको जब अपनी डिटेल पढ़ेंगे जलवायवीय कारक के अंदर पढ़ेंगे कि टेम्परेचर इंसेक्ट को कंट्रोल कैसे करता है, ह्यूमिडिटी इंसेक्ट को कंट्रोल कैसे करती है, है ना, एयर करंट कैसे कंट्रोल करता है, तो वो चीज़ें आ जाएंगी। फिजिकल फैक्टर, देखो फिजिकल फैक्टर के अंदर बात करते हैं कि सारा, अगर अपने भारत की बात करते हैं, इंडिया के अंदर बात करते हैं, तो सारे का सारा प्रॉपर एक ही जैसा एरिया नहीं है, कहीं पहाड़ हैं, कहीं समुंदर हैं, कहीं रेगिस्तान है, तो वो चीज़ें भी जो फिजिकल फैक्टर आ जाते हैं, जो भौतिक कारक आते हैं, भूमि की संरचना आ गई, वो भी एक तरह का क्या करते हैं, एक तरह का इफेक्ट डालते हैं इंसेक्ट की बॉडी के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, रस्ते में इधर बैठे इंसेक्ट, ये पहाड़ आ गया, वो इंसेक्ट इस पहाड़ को पार नहीं कर सकते, यहीं रहेंगे, तो इस एरिया को आप कह सकते हो कि ये एरिया सेफ है। सेकंड,
इसके अंदर हम बात करें कि बहुत लंबा चौड़ा मरुस्थल आ गया, अगर मरुस्थल रास्ते में आ जाता है तो क्या रहेगा, रेगिस्तान बहुत लंबा, अगर वो उड़ते हैं तो वो रेगिस्तान को पार नहीं कर पाते, वहां मर जाएंगे। थर्ड, समुंदर को पार नहीं कर पाते, इतने ज्यादा वीकर फ्लायर जो होते हैं या बहुत ज्यादा जो लंबी दूरी तक नहीं उड़ सकते इंसेक्ट, छोटे इंसेक्ट होते हैं लंबी दूरी तक नहीं जा सकते, वो उड़ते हैं समुंदर में गिर जाते हैं, वो भी एक तरह का क्या है, नेचुरल ही तो है, प्राकृतिक कंट्रोल है, अपने आप मर रहे हैं, हमारा तो उसके अंदर कोई रोल ही नहीं है। थर्ड, प्राकृतिक शत्रु की इंसेक्ट को जो भी नेचुरल इनेमीज होते हैं, जो एनवायरनमेंट के अंदर दूसरे प्रीडेटर हैं, पैरासाइट हैं, वो मार देते हैं, वो खा जाते हैं, वो प्राकृतिक शत्रु आ जाएंगे। प्राकृतिक रोग की कोई भी, जैसे ह्यूमन को बीमारियां लग जाती हैं तो कीटों को भी बीमारियां लगती हैं, अगर कोई ना कोई बीमारी से ग्रसित, जैसे एक्रीन है, मस्कार्डिन है, ये इंसेक्ट की जो डिजीज होती हैं वो, जैसे पेब्राइन डिजीज है, तो वो जो हो जाती है वो सारे के सारे प्राकृतिक रोग हैं जिससे इंसेक्ट मर जाते हैं, तो ये भी एक तरह का प्राकृतिक नियंत्रण हो गया। अब अपने बात करेंगे कृत्रिम नियंत्रण की, कृत्रिम नियंत्रण के अंदर ह्यूमन का रोल है, तो उसके अंदर कौन कौन से आपको इस चैप्टर के अंदर जो मेथड पढ़ने हैं वो हैं जी, शस्यक्रियाएं, मतलब कल्चरल कंट्रोल, कल्चरल कंट्रोल पहला रहेगा, शस्यक्रियाएं जैसे डीप प्लॉविंग है, क्रॉप रोटेशन है, वो सारे की सारी शस्यक्रियाएं आ जाएंगी जो इसके अंदर अपने डिटेल पढ़ेंगे इसकी। सेकंड है यांत्रिक नियंत्रण, मैकेनिकल जो आएंगे, मैकेनिकल कंट्रोल में आ जाएगा यांत्रिक नियंत्रण। थर्ड है जी रासायनिक, रासायनिक नियंत्रण इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर, सबसे ज्यादा लेंथी यही है कि केमिकल जितने भी पेस्टिसाइड आप यूज करते हो वो पेस्टिसाइड क्या है, रासायनिक नियंत्रण है, कि आप स्प्रे वगैरह करके आप इंसेक्ट को मारोगे वो रासायनिक नियंत्रण के अंदर। नेक्स्ट वैधानिक नियंत्रण, वैधानिक नियंत्रण, तो ये जो लॉ बनाए जाएंगे, जो लीगल जो लॉ बनाए जाएंगे वो वैधानिक नियंत्रण आ जाएंगे। और एक और आ जाएगा बायोलॉजिकल कंट्रोल, इसको बोला जाएगा जैविक नियंत्रण, किसी दूसरे इंसेक्ट का यूज करके आप किसी इंसेक्ट को मारोगे तो वो आर्टिफिशियल कंट्रोल का ये पॉइंट आ जाएगा। तो ये जो सारे के सारे कंट्रोल हैं वो हम पढ़ेंगे कृत्रिम नियंत्रण के अंदर, तो ये आपको कीट नियंत्रण के अंदर पढ़ना है। इसके बाद भी इस चैप्टर के अंदर कई चीजें आ जाएंगी जो पढ़ने आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे रोडेंटिसाइड भी आपको पढ़ने हैं कि चूहे मारने के जो जो आप यूज करते हो, जो भी दवाइयां यूज करते हो वो किस तरह की होती हैं, वो सारे के सारे इस चैप्टर के अंदर और पढ़ लेंगे अपने। तो कीट नियंत्रण की ये जो चैप्टर है इसके अंदर जो मेन चैप्टर रहता है वो इस फ्लो चार्ट के ऊपर डिपेंडेंट होता है, कि ये जो फ्लो चार्ट है इसी की अपने को डिटेल पढ़नी है। तो आगे अगर आपको ये वाला चैप्टर, इसकी आपको डिटेल देखनी है प्रॉपर की इसके अंदर क्या होता है, चैप्टर जो है 4 नंबर जो चैप्टर है वो आपको पूरा प्रॉपर करना है, तो इसके लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो जो आपको लेसन नंबर 3 की वीडियो बनाई थी, आपको जो बना के मैंने अपलोड की थी, तो उसके अंदर भी मैंने बताया था कि 3rd लेसन को कंप्लीट देखने के लिए, 4th लेसन जो है ये वाला, इसके इस फ्लो चार्ट को डिटेल में पढ़ने के लिए, कि डिटेल में इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी जो इंपॉर्टेंट हैं, डिटेल में चैप्टर को देखने के लिए जो इस चैनल के ऊपर ज्वाइन बटन आया हुआ है उसके अंदर जाके आप इसकी पहले चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर लें, जो बहुत ही थोड़ा सा आपको चार्ज रखा गया है, कि 100 रुपीज है, लगभग 110 रुपये के हैं वो, आप मेंबरशिप 110 रुपये में जाके मेंबरशिप आप ज्वाइन कर सकते हैं, और इसके अंदर इसके प्रॉपर पूरे चैप्टर के नोट्स, इसकी डिटेल और बाकी जो आपको मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था, पूरे एग्रीकल्चर बायोलॉजी की PDF वगैरह, और एग्रीकल्चर बायोलॉजी की वीडियो, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री और प्योर एग्रीकल्चर के नोट्स भी आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।